ओके, तो तुम दोनों साथ मरना चाहते हो? नो प्रॉब्लम। क्रांति गुरु, तुझ जैसे सिरंगी के लिए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा क्रांति गुरु है। संभाल के मनो, आप कब आए ताते गुरु, और किसने आपको बताया कि हम यहाँ? ये सब मैं बाद में बताऊंगा बेटा, समय नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें तुरंत महल पहुंचना है। हाँ, महल तो हम भी जाना चाहते, न जाने कौन है वो जिसने हमारा वेश धरा है। मनो, उसकी चिंता मत करो बेटा, वो हमारे पक्ष में है। अपने पक्ष में? ताते गुरु, वो हमारे कपड़े पहने रानी की तरह। ये सब मोतीबाई जी ने किया है तुम्हें बचाने के लिए, किंतु गहन विपत्ति आन पड़ी है, संभवतः महाराज को संदेह हो गया है, इसीलिए उन्होंने महारानी को तुरंत अपने कक्ष में बुलाया है। जाओ बेटा, जल्दी जाओ यहां से, मैं समर की देखभाल करता हूं, जाओ। जल्दी हम आ गए। कौन हो तुम? दरबार में देख चुकी हो हमें।
अब इन सबको छिपाने से कोई लाभ नहीं होगा। हम आ गए, महाराज अपनी महारानी से मिलने आ रहे हैं। तो आने दो, महारानी मौजूद है। क्या? हाँ, मैं महारानी हूँ। तो महारानी, इतनी जल्दी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग तुम्हारा खराब है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। सुंदर, यहाँ कोई सुंदर गुंदर नहीं आएगी। तुम जाओ यहाँ से। हम जाए? हाँ जाओ, वरना मैं चिल्ला दूंगी। तो चिल्ला चिल्ला। जाती हूँ या बुलाऊं सैनिकों को? जाओ। शाबाश, बहुत उम्दा, दिल खुश कर दिया तुमने। अब जैसा कहा है बस वैसे ही करती जाना। अगर वो जाकर कुछ? अब वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि झांसी की महारानी अपनी ख्वाबगाह में मौजूद है। बैठिए। आप सहमे सहमे से दिख रही हैं, क्या बात है? असहज तो लगेगी, पैर तो देखिए कितने गंदे हैं इसके। नहीं नहीं, मैं हम ठीक हैं। आपके साथ बिताया हुआ वो दिन हमें याद है जी। उस दिन आपके साथ जब हम साधारण व्यक्ति के भेष में हमारे झांसी में घूम रहे थे, तब हमें पहली बार आभास हुआ कि दुख में कैसे मुस्कुराया जाता है। धन्य हो देवा, महाराज को यह आभास तो हो गया कि उनकी प्रजा कैसे जीती है। याद है जब वो क्या कहते हैं उसे, कचौड़ी? हाँ कचौड़ी। उस दिन हम खा के उठे और दुकानदार ने हमसे पैसे मांगे। आपके पास कहाँ थे? हमने मोहर दी थी। तब आपने उसे सुवर्ण मुद्रा दी थी। अच्छा मैं एक बात बताइए, उस दिन जब हम बाजार में घूम रहे थे तो ऐसी कौन सी बात थी जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे? जब आप बच्चों की तरह खिलखिलाते हुए नंगे पैर हमारा झूला झुला रहे थे जी। महाराज सब कुछ बहुत अच्छा था। आप बहुत बुझी बुझी से दिख रही है। चलिए तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं।
उस दिन बाजार में आप बहुत उत्तेजित हो गई थी। अब पता चलेगा धोखेबाज। क्या हुआ? आप तो गिर पड़ी। क्षमा कीजिएगा महाराज, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अब हमारा संदेह विश्वास में बदल गया। क्यों आप इतनी अशांत दिखाई दे रही? आज दरबार में जिस प्रकार मार्शल ने आप पर उंगली उठाई, हमें अच्छा नहीं लगा महारानी। हे देवा, महाराज बिल्कुल नहीं समझ पा रहे कि वो हम नहीं हैं। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। महारानी, आपकी भाव भंगिमा से हमें यह आभास हो रहा है कि इस समय हमारा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, मैं आपके आने से तो हम बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता केवल महाराज के आने से ही नहीं, बल्कि रानी बनकर हमारे कक्ष का दुरुपयोग करने से हो रहा है। ओम जी महाराज, तुम्हारा साहस इतना बढ़ गया कि हमारे महारानी के कक्ष तक पहुंच गई। महाराज, क्या आपकी महारानी अपने कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकती? मूर्ख, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या आपकी महारानी यहाँ है? महाराज, आपकी महारानी हम हैं। ये पाखंडी धोखेबाज है। झूठ कह रही है। आपके महारानी क्रांति गुरु जैसे छद्म वेश धरकर आपकी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगा सकती। महाराज आप विश्वास कीजिए, हम आपकी महारानी लक्ष्मीबाई। नहीं महाराज, हम आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं। नहीं महाराज, हम महाराज हम आपकी लक्ष्मीबाई। महाराज हम लक्ष्मीबाई। हम आपकी लक्ष्मीबाई। नहीं महाराज, हम आपकी रानी लक्ष्मीबाई। महाराज हम लक्ष्मीबाई। नहीं महाराज, हम लक्ष्मीबाई। अपने सीमा में रहो। कोई वीरानी इस प्रकार छद्म वेश में ना ही अपने गरिमा का सर्वनाश करती है और ना ही अपने पति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। तुम झूठ बोल रही हो, धोखेबाज हो तुम। हे देवा, क्या करें? हम तो इस वेशभूषा में सिद्ध नहीं कर सकते कि हम ही उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई हैं। अगर महाराज को ये मालूम हो गया कि क्रांति गुरु हम ही हैं, तो फिर हमारे बाबा के साथ साथ मोतीबाई जी भी अपमानित की जाएंगी और महाराज की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकती है। कैसे सिद्ध करें? सिद्ध तो करके रहेंगे। महाराज ये किसकी आवाज है? भूत, 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 कहाँ है यह भूत? हाँ भैया, हमने अपनी आंखों से देखा। क्या बात है, आप चिल्ला क्यों रही थी? क्षमा कीजिए महाराज, कोई छाया थी, काली काली। पता करो कौन है।
महाराज, भगवान कसम वो भूत ही था। किस दिशा में गई वो? वो वहां। सैनिकों, पता करो कौन है। हे देवा, कहीं हम पकड़े न जाए। जैसा मैं कह रही हूं वैसे ही करती रहे, ऐश करेगी ऐश। ना बाबा ना, मेरे को ऐसी ऐश नहीं करने की। वो महारानी हाल जब आ जाएगी मेरे को। महारानी तो अब तू है, वो तो महल में कदम नहीं रख सकती और हम सब तेरे साथ हैं। और हमारा एक छोटा सा काम कर दे बस। क्या करना है? महाराज गंगाधर राव की हत्या। महाराज गंगाधर राव की हत्या। हे दादा दादा दादा, ना ना ना, मेरे को ये पाप नहीं करने की। करना पड़ेगा, आसान है। नहीं नहीं, मैं ये पाप नहीं करने की। मेरे को मार डालो, मैं अपने राजा को नहीं मारती। हे दाता, कैसे लोग हो तुम लोग, मैं अभी महाराज को बताती। ठीक है, जा कह दे। इसे देख, पहचाने से। हे दादा, ये तो मेरे भाई की है। रो मत बाबा। रो मत बेटा, अपने बाबा से कहो कि तुम्हारी बहन वही कहे जो हम लोग कहें। भगवान के लिए उसे छोड़ दो, मेरी जलकारी वही कहेगी जो आप लोग कहोगे। और अगर नहीं कहेगी तो? कहेगी कहेगी, बिल्कुल करेगी, जो आप कहोगे वो करेगी। बस इसे ये बाली दिखा देना, बहुत प्यार करती है अपने भाई को। तो ठीक है, हम चलते हैं और अपने बेटे से जाकर कह देंगे कि झलकारी ने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया। नहीं 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 नहीं, आप जो कहोगे मैं करूंगी। बताओ क्या करना है। गंगाधर राव, समझी? गंगाधर की मौत के बाद सारा आरोप लक्ष्मी बाई पर। मेरा खजाना लूट कर ले गई थी।